हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैंने ESIC SSO प्रीलिम्स का 5th नंबर का मॉक भी दे दिया है, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूं। जैसे कि मैंने कहा ही था, मैं जितने भी मॉक दूंगी आप लोगों के साथ अपना स्कोर शेयर करूंगी। और ये जो मॉक है ये प्रैक्टिस मॉक है, प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज मैंने परचेज की है, मैं उसी के मॉक देती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कितना स्कोर आया है। देखिए स्कोर है 82.5, रैंक है 7। रैंक में तो मैं अभी बिलीव नहीं करूँगी, क्योंकि अभी सिर्फ 400 बच्चों ने भी पूरा ये नहीं दिया है। तो कम से कम अगर ये लगा लो 10,000 12,000 बच्चे दे, तब जाके रैंक का कुछ वैल्यू होता है। परसेंटाइल है 98, एक्यूरेसी है 93%। तो अब इंग्लिश सेक्शन की तरफ आते हैं। तो अटैम्प्ट थे मेरे 30 और उसमें से मेरे 6 गलत हो गए हैं, 24 सही हैं। रीजनिंग में जितने अटैम्प्ट किया था उतना ही, क्वांट में जितना अटैम्प्ट किया था उतना ही आया है, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो हाँ, ओवरऑल अटैम्प्ट भी बता देती हूँ। ओवरऑल 90 अटैम्प्ट थे, जिसमें से 84 सही हैं और 6 मेरे गलत हैं। अब एक बार ही हम टॉपर का स्कोर भी देख लेते हैं। टॉपर का स्कोर है 89.25 और मेरा स्कोर है 82.5। अब मैं ये बताती हूँ, मैंने इससे पहले जितने भी मॉक दिए थे उसमें मेरा स्कोर कम था। इनमें से पता नहीं, शायद 2/3 वाला कोई नंबर वाला मॉक था, उसमें मेरे 70s में थे। ये वाला जो मॉक है ये इजी है, ठीक है। आप लोग भी देंगे तो आपके भी इसमें, मुझे लग रहा है इवन आप लोग तो कोई कोई इतने क्या बोलूँ मैं, मॉक देने में इतने सक्षम होंगे कि 90s में भी लेकर आए, बट मेरे 80s में ही है। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि चलो ठीक है ईजी था, बस ये इंग्लिश का रह जाता है, इंग्लिश में रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए एरर डिटेक्शन, ये फिलर का, पिट का मीनिंग नहीं पता था मुझे, ये वाला एक पैसेज तो बहुत ही ईजी था, बहुत ऐसा लग रहा था स्टोरी है, तो इस वजह से पैसेज के सारे सही चले गए। एक ये नो मैटर वाला, एंड लास्ट 27th ये है। डेडलीस्ट का ऑपोजिट बताना था किस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो डेडलीस्ट मतलब बहुत ही जानलेवा, और उसका क्या होगा, माइल्डेस्ट होगा। लेकिन मुझे लगा जेंटल भी हल्का होता है, फ्रेंडलीस्ट भी हल्का होता है, बट ये दोनों इसके ऑपोजिट तो हैं। बट क्या बोलूँ मैं, कॉन्टेक्चुअली ये इनअप्रोप्रिएट है, तो यही रीज़न था। हालांकि मुझे लगा तीनों होंगे, एनीवेज जो भी था यही था। तो ये था मॉक नंबर 5th, तो इसका मैंने स्कोर शेयर कर दिया है। आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या क्या आपका स्कोर रहता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं 6th नंबर का मॉक दूंगी, और जब कोई एक दूसरा ESIC UDC मेंस का भी दे सकती हूँ और ESIC SSO मेंस का भी दे सकती हूँ, तो मैं उसके भी मार्क्स शेयर करती रहूँगी। बने रहिए आप लोग और पढ़िए खूब अच्छे से, जोरों शोरों से।